नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। एलिमेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी, तो आज मैं बात करूंगी कौन सी वजह से, किस वजह से ये एलिमेंट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो उसको कैसे ला। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे को स्टेबिलिटी नहीं रहती, काम चलता है फिर रुक जाता है, बार बार ऐसा होता है, रिलेशनशिप बनती है स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती, पार्टनरशिप टूट जाती है, या बार बार हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इसका कारण कौन सा एलिमेंट है और कौन से मेंबर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज मैं उनके बारे में बात करूंगी। तो नंबर्स की जब हम बात करते हैं, तो जब हम नोशो ग्रिड चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम नंबर्स फिल करते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर नहीं होते, और ऐसा भी नहीं होता कि एक भी नंबर ना हो। तो वो नंबर क्या करते हैं और उस नंबर की वजह से कौन सा एलिमेंट बिगड़ जाता है, तो आज मैं बात करूंगी 3 इम्पॉर्टेंट नंबर्स की, जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, पार्टनरशिप को आपने अच्छा करना है, या फिर हेल्थ को अच्छा करना है, तो ये 3 नंबर होने बहुत जरूरी है। आप बाय डिफॉल्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यानी मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, तो उस नंबर्स की एनर्जी लेकर के हम आ सकते हैं। ये अर्थ एलिमेंट की बात मैं क्यों कर रही हूँ, सबसे पहले अर्थ हमारी जो सृष्टि की बात करते हैं, तो उसके ऊपर सारी भार सहने की क्षमता, ये भी ह्यूमन बींग्स हैं, सब अर्थ एलिमेंट पे डिपेंड है, चाहे वो अनाज उत्पादन हो, चाहे वे जमीन से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हो, चाहे हम घर में रह रहे हैं, कहीं भी विदाउट अर्थ पानी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप समुद्र या फिर नदी की बात करते हैं, तो वहां पे नीचे तली होती है जो कि अर्थ एलिमेंट या फिर पृथ्वी की सतह से बनी हुई है। अगर वो अर्थ एलिमेंट गड़बड़ा रहा है तो हवा में लटके हुए, यानी अनसर्टेनिटी आ रही है। तो नंबर्स में बात 2, 5 और 8, ये 3 नंबर अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर 2 नंबर है उसमें से या फिर सिंगल 1 नंबर है तो उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। बट आज मैं सिर्फ आपको अर्थ एलिमेंट के बारे में बता रही हूँ कि अर्थ एलिमेंट के नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास अर्थ एलिमेंट नहीं है तो आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में, आपने जहां पर 2 नंबर आता है, यानी कि जब नोशो ग्रिड चार्ट बनाते हैं, तो अपने घर के साउथ वेस्ट में आपको बिना पानी के पहाड़ की तस्वीर लगानी है। वहां पे कोई रॉक का स्टेचू लगा सकते हो, वहां पर आप कुछ हैवी स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, हैवी सवार रख सकते हो, सीनरी रख सकते हो, पर ध्यान रखे भूल करके भी वहां पर नीला रंग ना कर दे। इसके बाद हम अगर 5 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है एलिमेंट का, तो आपको सेंटर ऑफ द हाउस में येलो कलर का बल्ब जलाना है, या फिर आप कैलीग्राफी की पिक्चर्स रख सकते हैं, कुछ और चीजें रख सकते हैं। एलिमेंट्स में आप क्रिस्टल का बॉल रख सकते हैं, शैंडलियर लगा सकते हैं, इससे जो है अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा। 8 नंबर नहीं है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई, साउथ वेस्ट के हिसाब से हम बनाते हैं, तो वहां पर आपने नॉर्थ ईस्ट में कलश रखना है। कलश में गंगा जल, कुछ सिक्के, सुपारी, हल्दी, चंदन डाल करके आपने रखना है, और कलश पे आप होली का धागा लगाना, यानी लपेटना ना भूले, और उसको बाद में ढक्कन से कवर करके रखते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स को हम मजबूत कर सकते हैं, कुछ कलर्स के हिसाब से, कुछ कपड़े पहन करके, कुछ मंत्र चैंट करके। तो आप भी जानना चाहते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर मिसिंग है और आप इन सब प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, तो आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, या फिर आपके पास ये एलिमेंट्स 3 ही मिसिंग है या फिर 2 है, तो अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। फिर मैं बात करूंगी अगले वीडियो में वाटर एलिमेंट की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है मनी, यानी पैसे के लिए और अवसर के लिए।